अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई शान मसूद साहब जो कि आपके वाइटलिटी ब्लास्ट खेल रहे हैं, T20 का टूर्नामेंट खेल रहे हैं इंग्लैंड में, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है भाई, लिटरली माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस जा रही है। उनके स्टैट्स से पहले बात कर लेते हैं, और जो नई एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई है उनके डिसमिसल के बारे से, उस बारे से भी इस वीडियो में बात करेंगे। आपके शान मसूद साहब ने भाई 6 मैचेस खेले हैं वाइटलिटी ब्लास्ट में, 173 रन उन्होंने स्कोर किए हैं विद द हेल्दी एवरेज ऑफ 34.60 एंड स्ट्राइक रेट 147 का है, विच इज़ ट्रिमेंडस ऑन इंग्लैंड पिचेस। वैसे भी खैर इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस देते हैं आपके शान मसूद साहब, चाहे वो काउंटी क्रिकेट हो, चाहे वो वाइटलिटी हो, चाहे वो मीन्स वही है काउंटी आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है या आपकी वाइट बॉल की T20I क्रिकेट है, बट हर जगह जब इंग्लैंड की बात हो या इंग्लैंड के ग्राउंड्स की बात होती है तो वहाँ पे डोमिनेट करते हुए आपको शान मसूद साहब ही नज़र आते हैं, आपके टेस्ट टीम के कैप्टन टिल नाउ। हो सकता है आगे भी हो, कभी इम्कान आते हैं कि आगे वही आपको लीड करेंगे टेस्ट क्रिकेट में भी, बट वाइटलिटी में बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस जा रही है। खैर आज वो जब अपनी टीम के लिए खेल रहे थे तो एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई, यानी आपके शान मसूद साहब ने हिट विकेट कर लिया एंड वो रन आउट भी हो गए, बट ही वॉज़ नॉट गिविंग रन आउट और मीन्स वो डिसमिसल उनका माना ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि बॉलर ने नो बॉल दे दी थी। इन सब में मेन पॉइंट ये था कि भाई ये लॉ के मुताबिक है, बट हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जिनको नॉर्मल से नॉर्मल क्रिकेट लॉ के हवाले से पता नहीं होता, आई वॉज प्रेटी हैप्पी कि भाई शान मसूद साहब को मालूम है कि भाई क्रिकेट के लॉज क्या हैं। तो मोहतरम को मालूम था कि भाई क्रिकेट के लॉ के हिसाब से वो ना तो आउट हुए हैं और ना ही रन आउट हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के लॉ के हिसाब से आपके जो बॉलर ने जब नो बॉल कर दी, दैट मींस के उस पर आप डिसमिस नहीं हो सकते, चाहे वो बोल्ड हो, चाहे वो कैच आउट हो, चाहे वो हिट विकेट हो, तो आपके शान मसूद साहब बोल्ड नहीं हो सकते। दूसरी बात मींस वो आउट नहीं हो सकते। दूसरी बात कि जब आपके अगर बॉलर ने नो बॉल दी है और बैट्समैन आउट हो गया है और वो वॉक करने लगे, यानी वो जाने लगे ड्रेसिंग रूम की तरफ, तो आपका जो यानी वो बॉल डेड हो गई, तो आपका जो अंपायर है वो बुलाएगा दोबारा, आपको जो भी बैटर था उसको बुलाएगा वापस क्रीज पे। तो शान मसूद ने रन लेने की कोशिश नहीं की थी और ही वाज लीविंग द क्रीज, तो वहाँ पे वो रन आउट उनका माना नहीं गया और अंपायर ने उनको नॉट आउट दिया। सो ही क्लियरली नोज़ कि भाई क्या रूल्स हैं और किस तरीके को उससे उनको इसको अपनी फेवर में यूज़ करना है। सो हैट्स ऑफ टू शान मसूद, एंड आई थिंक इसी तरीके का लीडर होना चाहिए और इसी तरीके के लीडर को ये चीज़ इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए अपने प्लेयर्स को कि भाई यू हैव टू नो ईच एंड एवरी रूल ऑफ क्रिकेट, और यही चीज़ गेम अवेयरनेस कहलाती है और इसी से आपकी गेम अवेयरनेस जो है वो बढ़ती है, जो कि हमारे प्लेयर्स में बिल्कुल नहीं है, सिफर है, सिफर। सो वेरी गुड, एंड जो भी खैर इसके अंदर पीछे कॉन्ट्रोवर्सी थी उसको भी हमने क्लियर कर दिया कि भाई ही वॉज नॉट आउट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बिकॉज ही वॉज लीविंग द क्रीज, ही वॉज नॉट टेकिंग रन, दैट्स वाई है कि एम्पायर ने ना नॉट आउट दिया ना उनको हिट विकेट का आउट दिया, बिकॉज बॉल वॉज नो बॉल, तो वो है कि मीन्स डेडी हो गई ना, आई मीन उस पर तो कोई डिसमिसल हो ही नहीं सकता, और जब आपका बैट्समैन भी है कि क्रीज लीव करने जा रहा था, वो रन लेने की इंटेंशन से नहीं जा रहा था, तो रन आउट भी नहीं हुआ एंड एम्पायर ने उसको वापस बुलाया। सो हैट्स ऑफ टू शान मसूद, एंड इट शुड बी मीन्स तमाम प्लेयर्स को एटलीस्ट क्रिकेट के रूल के हवाले से ज़रूर पता होना चाहिए। ये PCB का काम है, नॉट ओनली प्लेयर का या कैप्टन का काम है, ये PCB का काम है कि भाई तमाम रूल्स इनको अजबर होने चाहिए आपके प्लेयर्स को। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें एंड शेयर कर लें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। हाफिज़।